अगर किसी जगह अकेले आपको जाना हो, अकेले जाना भी पड़े, तो आपने ऐसे लोगों के साथ टच नहीं करना, ऐसे लोगों के साथ आपने नहीं वो करना जो जिसको आप नहीं जानते। नहीं जी, कोई मुआवजा नहीं लेते, बगैर फीस के ये ट्यूशन पढ़ते। ये वो स्टूडेंट्स हैं जो ट्यूशन फीस वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते थे, लेकिन पढ़ाई का शौक है। इसमें 1 से लेके फर्स्ट ईयर तक के स्टूडेंट्स हैं। किस्मत नौए बशर तब्दील होती है यहाँ, एक मुकद्दस फ़र्ज़ की तकमील होती है यहाँ। इस वक्त मैं डिस्ट्रिक्ट बहावलपुर की तहसील हासलपुर में मौजूद हूँ, हासलपुर के थाना सिटी में। यहाँ पे SHO रोज शहजाद बाबर जो हैं वो बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट ट्यूशन पढ़ाते हैं, आइए उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, पाक टीवी के साथ मैं हूं नाजिम। इस वक्त हम मौजूद हैं थाना सिटी में, हमारे साथ मौजूद हैं यहां के SHO रोज शहजाद बाबर साहब, जो बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ट्यूशन पढ़ाते हैं, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम सर। ये आप कितने अरसे से बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहे हैं और कौन कौन सी क्लास के ये स्टूडेंट हैं? ये हमने जो है ना ये प्रॉम रिसेंटली शुरू किया है, और इसमें 1 से लेके फर्स्ट ईयर तक के स्टूडेंट्स हैं। और ये वो स्टूडेंट्स हैं जो ट्यूशन फीस वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते थे, और लेकिन पढ़ाई का शौक है, संडे को हम उनको जो है ना यहाँ पे कोचिंग करते हैं। सर ये बताइएगा कि ये आपका जो पढ़ाई का ये सिलसिला है, ये आपकी इसी पोस्टिंग तक है या आप कहीं भी आपकी पोस्टिंग होगी ये जारी रहेगा? ये सदका जारिया है, और पुलिस और आवाम के दरमियान एक सॉफ्ट इमेज बिल्ड करने के लिए, ख़ास तौर पे बच्चे जो हैं, बच्चों को जितना हम अपने पुलिस से क्लोज करेंगे, पुलिस के साथ लेके आएंगे, हमारा एक सॉफ्ट इमेज जो है ना वो उजागर होगा, और इंशाल्लाह ये सिलसिला चलाएंगे आगे। अब इनसे कोई मुआवजा भी लेते हैं? नहीं जी, कोई मुआवजा नहीं लेते, बगैर फीस के ये ट्यूशन पढ़ते हैं। फीस सबीलिल्लाह सदका जारिया। ये जो बच्चे जो आपके मोस्टली जो ज़्यादातर आपके पास जो बच्चे पढ़ रहे हैं, ये ज़्यादा किस क्लास के स्टूडेंट हैं? वैसे ये बच्चे यहीं के लोकेलिटी के हैं, छोटे बच्चे ज़्यादा हैं, जिसमें छोटी क्लासेस के हैं, एक दो बच्चे फर्स्ट ईयर के हैं नॉन मेडिकल के। रोशदाद बापर साहब SHO थाना सिटी बता रहे थे कि एक दो बच्चे जो हैं वो फर्स्ट ईयर के हैं, बाकी वो हैं वो जो छोटी क्लासों के हैं। तो इनका ये जो मिशन है ये जारी रहेगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। एक चीज़ का आपने ख्याल करना है, जो आपको कोई भी आदमी मिलता है कहीं पे, आपको कोई टॉफियाँ देता है, कोई चीज़ ऐसी देता है जिससे वो आपको कहता है मेरे साथ चलो, कहता है मैं आपके पापा का दोस्त हूँ, चलो मेरे साथ मोटरसाइकिल पे चलो, या आपको कहीं पे ले जाने के लिए कोशिश करता है, तो आपने सबसे पहले अपने वालदैन से वो करना है।